अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साहिब मलिक, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज से डेली ब्लॉग्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल हो रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी भी ऑफ हो गई है तो ब्लॉग्स में कर नहीं पा रहा। 31 दिसंबर है तो मैं जा रहा हूँ एक राइड पे। मैंने प्लान बनाया था दोस्तों ने एक राइड करेंगे, अभी फिलहाल मैं वहीं पर जा रहा हूँ। और रात को प्लान तो सबने बनाया था लेकिन कुछ दोस्त जो थे वो मना कर गए क्योंकि वो कहीं जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहा है, एक जम्मू जा रहा है। अभी बीच में एंटी आ गए थे तो व्लॉग मैंने बंद करना पड़ा। तो अभी चल रहा हूँ बाइक लगी हुई है, साफ करेंगे और साथ में पेट्रोल भी फिल कराएंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपनी हेलमेट क्योंकि लास्ट टाइम हेलमेट जो थी वो मुगल दरबार में ही है मेरी, वहाँ से हेलमेट लेंगे और उसके बाद चलेंगे और जो जो आ रहा है उन सबसे आपको मिलाएंगे और देखते हैं किस लोकेशन पे कहाँ पे जा रहे हैं हम घूमने के लिए आज। अभी मैं मुगल दरबार गया हुआ था, वहाँ से मैंने हेलमेट ले लिया है तो साथ में अभी हम आ गए हैं वीरम की पार्किंग में। वीरम भाई क्या हाल है? ठीक है। हाँ बस ठीक हूँ। आज कहाँ पे जाने का प्लान है? आज एक अनएक्सप्लोर्ड सी जगह रजौरी वालों के लिए। अच्छा, कालाकोट से शालसी की रोड जाती है, उसका से पंचनाड़ा बोलते हैं। अच्छा। पाँच पांडव टाइप है वहाँ पर, तो अच्छी जगह है वो, काफी मतलब व्यू वगैरह अच्छा है। चलो हमें भी नहीं पता, आज वीरम भाई ने ये सजेस्ट किया हमें ये लोकेशन, लास्ट टाइम सत्यम ने की थी। हाँ, वो अच्छी थी, है ना, वो काफी अच्छी थी। तो ये हमारे अतुल भाई, अतुल भाई क्या हाल है? बस ठीक बढ़िया। तो ये हमारे सीनियर भी हैं, तो आज हमारे साथ राइड पे जा रहे हैं और इनका एग्जाम भी है कल। कितनी प्यारी लोकेशन है ये, यहाँ पर रजौरी सलानी के बैक साइड मतलब जवाहर नगर से ये दिखती है। यहाँ पे चलेंगे किसी दिन ऑफ रोड करने के लिए, वो वहाँ से बाइक चला जाते। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पत्थर हैं, जम्मू वाली साइड ना पत्थर थोड़े कम होते हैं। चलो फिर भी करेंगे, एक दिन ट्राई करेंगे ऑफ रोड का, सभी फ्रेंड्स प्लान बनाएंगे। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं राइड पे। लास्ट टाइम जो था वो मतलब JBL का बड़े वाला स्पीकर था, इस बार जो है JBL का ये छोटे वाला स्पीकर है, लेकिन इसकी भी बहुत ज्यादा आवाज है, उससे ज्यादा आवाज है इसकी। टाइम जो है 12:30 होने वाले, अभी हम डिसाइड ही कर रहे हैं, मतलब लोकेशन तो डिसाइड है लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि कौन कौन जा रहा है। साथ में अभी सत्यम का फोन आया, वो भी आ रहा है क्योंकि उनका एग्जाम था, वो गाड़ी लेके आएंगे। और साथ में हमारे एक सीनियर दीदी है लुबना दीदी, वो भी आ रहे हैं, वो भी गाड़ी लेके आएंगी। यहाँ से हम निकलेंगे बाइक पे, उनको लोकेशन पता है, हम आस्ता आस्ता चलेंगे और वो भी साथ साथ आएंगे। अभी आपको हम चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, साथ में वीरम है अभी और साथ में अतुल भाई भी हैं, यहाँ से पेट्रोल फिल कराते हैं। ठीक है भैया, बालों की हालत देख सकते हो आप कितनी ख़राब हो गई है, इसलिए मैं हेलमेट नहीं लगाता लेकिन आज लगाना पड़ रहा है। ये बहुत ही मतलब डेंजरस जगह है, यहाँ पर काफ़ी कर्व है। और मैं यहाँ पे रुके थे, ये देख सकते हो आप, हम आधी लोकेशन पे आ चुके हैं, वीरम भाई भी पहुँच चुके हैं। और ये देख सकते हो मंकीज़, इतनी दूर से आपको कैसे दिखेगा, ये देख सकते हो, ये 1, 2, 3, 4 मंकी है। सो मैं अपने बाल ठीक करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अतुल भाई क्या हाल है? बस ठीक साहिब, आप बताओ ठीक हो आप? बस ठीक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी मिल के राइडिंग करने है ना, आज इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा जितना लास्ट टाइम आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, मेरे को इन्वाइट वीरम ने किया आज, तो चलो आगे पीछे हो गए मगर लास्ट टाइम बड़ी अच्छी हमने राइड की थी, नेक्स्ट भी अच्छी करेंगे। चलते हैं सीधा लोकेशन पे, वहीं पे जाकर आपको मिलेंगे। लास्ट टाइम जैसे जमील भाई ने बोला था ऐसी आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम वापस से। वेलकम टू माई गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं, कौन क्या बोल रहे थे, कौन सी लोकेशन है ये, सियालसी पहुंच चुके हैं। सो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, काफी डिफिकल्ट रहा हमारे लिए ये जो सफर है, बहुत बीच में खराब रोड थी, यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोड भी हो गया हमारा और यहाँ पे हमने बाइक्स अपनी पार्क कर दी है। अभी फिलहाल तो 3 ही बाइक्स आई हैं इस बार राइड पे। चलो कोई ना, 2 गाड़ियाँ आने वाली थी, 1 गाड़ी आएगी और दूसरी क्या पता वो नहीं आए, वो काफी ऑफ रोड भी हो गया। ये अंदर लिंक रोड आती है कोई, वहाँ से अंदर है और ये लोकेशन है, 5 पांडव नाम है इसका। यहाँ पे कोई पूल भी है, यहाँ पे वीरम अभी नहाएगा, अभी हम चलते हैं अंदर, वीरम नहीं नहाएगा, दिखाते हैं अभी टॉप पे चलते हैं। अभी जैसे ये पुराना टाइप बना होता ना, हाँ ये टेंपल है, वैसे टेंपल ही होता है, पुराना टाइप जैसे घर बने होते थे ना, हाँ 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 हाँ, किलर टाइप, हाँ ओल्ड हेरिटेज टाइप ही है ये सभी। ये 5 पांडव है, इसकी लोकेशन हमें भी नहीं पता, सियालसी से अंदर सोलकी भी, सोलकी वाली साइड से अंदर एक लिंक रोड आती है, पूछ के आना जो अगर आए यहाँ पर। ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये ऐसी थोड़ा स्टे करने के लिए, थोड़े टाइम के लिए अगर बारिश आ जाए। और ये भी कुछ बन रहा है, गेस्ट हाउस बन रहा होगा। और अभी हमारे चैनल पे भी आपको एक्सप्लोर ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब तक ऑफ है तब तक सोच रहा हूँ मैं एक्सप्लोर ब्लॉग करूँ, मतलब ट्रैवल्स ब्लॉग करूँ, क्योंकि अब बर्फ़ भी पड़ने वाली है, बर्फ़ वाली जगह भी कहीं जाएंगे, बकोरी वाली साइड जाएंगे, एक DKG लास्ट टाइम नहीं जा पाए वहाँ पर भी जाएंगे, और 2-3 जगह शाहदरा शरीफ पक्का जाना है इस बार, वहाँ पर भी जाएंगे, ठीक है ना। अभी चल रहे हैं इधर अंदर, आपको दिखा दें टायर, देख सकते हो अभी काफी तगड़ी ऑफ रोड हो गई है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो वीरम का, वीरम अभी बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा है, और भाई आपका नहीं गिरता, भाई आपकी की शैल है, ये देख सकते हो। चलते हैं अभी अंदर। ऐसा लग रहा है 31 दिसंबर जो है आज का दिन हमारे लिए वेस्ट चला गया, क्योंकि सुबह जो प्लानिंग थी हमारी वो नहीं हो पाई अच्छे से,
इसलिए आगे पीछे हम आ रहे हैं। चलो कोई ना, ये भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। अभी हम आए, ऐसे ही आपको दिखाते जाएंगे एक से एक नई से नई तगड़ी से तगड़ी लोकेशन। यहाँ पर देख सकते हो कितने पत्थर हैं यहाँ पे, पुराने किला टाइप बनाया हुआ है इसको। और अतुल भाई, बस बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया, कैसा लगा आपको आज? आज काफ़ी अच्छा लगा, बस थोड़ी दिक्कत हुई सुबह, बस बाकी अच्छा रहा, अच्छी राइड की। बीच में थोड़ी रोड रेस भी हो गई थी वीरम भाई की, एक सफारी वाला था उसके साथ। वापस घूम के यहाँ पर आ चुके हैं वापस से। इस बार तो मैं आपको नहीं बता सका कि राइड पर जाना था 31 को, लेकिन क्या पता, मैं क्योंकि इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि आप में से कोई आए। अगर आप आना चाहते हो नेक्स्ट राइड में तो प्लीज़ इस व्लॉग में कमेंट्स कर देना कि हाँ भाई हम आना चाहते हैं या फिर आएंगे, तो फिर नेक्स्ट से मैं आपको बता दूंगा। हम चल रहे हैं, फोटो शूट वीडियो शूट ले लिए, बहुत अच्छे फोटो आए वहाँ पर अंदर। और बाइक्स देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये वीरम का डायलॉग मैंने कॉपी करके बोल दिया। अभी हम चल रहे हैं नीचे, कोई बोल रहा है वीरम क्या है? कुछ नहीं बोल रहा, मैं ऐसे चल रहे हैं। अच्छा ऐसे चल रहे हैं, मतलब तू अपनी बातों पे वो नहीं है, आराम से। अभी इन दोनों की हमने रेस करनी है, वहाँ पे ट्रैक है इतना तगड़ा, वहाँ पे अभी हमने 140 का मीटर निकाला है वीरम ने। हमारी जो बाइक है वो इतनी ज्यादा नहीं गई, कितने निकाला वीरम? मैंने 111 और मेरा 100 ही गया उससे ऊपर, मतलब क्योंकि मेरा बुलेट है ना आस्ता सा स्पीड पकड़ता है। वहाँ पे आज लगाएंगे हम ड्रैग रेस। ये है पूल, चलते हैं यहाँ पे डुबकी लगा देंगे। जब बारिशें होती हैं ये पानी पूरा यहाँ तक आ जाता है, काफी ठंडा पानी है। और ये पेड़ यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, क्या है ना, अच्छे होंगे आमले ऐसे ही पेड़ पे, निकालो उतारो थोड़े, खाएंगे आमले। अभी हम चल रहे हैं वापिस, यहाँ पे काफी इंजॉय किया, वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, और साथ में सॉन्ग वीडियो के लिए जो मेरा रैप सॉन्ग आ रहा है उसके लिए भी थोड़ी वीडियो शूट किया। घर जाके देखूंगा, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, वरना न्यूज से शूट करेंगे, उसका व्लॉग भी आपको बताऊंगा, आज के व्लॉग में नहीं बताऊंगा। चलते हैं अभी, वो बाइक्स वो लगी हुई है। वहाँ से आ गए थे तो अभी यहाँ पे रुके खाने के लिए, सोच रहे थे कुछ खाना ही खाएं, लेकिन नहीं मिल रहा, यहाँ पे ढाबा नहीं है ना, तो यहाँ पे अभी चाय पियेंगे, साथ में समोसे और मोमोज भी मिल रहे हैं, वो भी खा लेंगे, बैठते खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आ चुके हैं हमारे समोसे, अभी हम खाते हैं, साथ में चाय भी आ गई हमारी, तो फिर यहाँ से निकलेंगे। उस वाली शॉप पे सिर्फ समोसे थे, तो यहाँ पर अभी हमने मोमोज ऑर्डर किए थे, तो अभी ये खाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। टाइम हो चुके हैं 4 और अभी हम वहाँ से निकलकर यहाँ पर आ चुके हैं ट्रैक पे। और यहाँ पे काफी, मतलब बहुत ही लंबा ट्रैक है, यहाँ पे आप 200 की स्पीड तक निकाल सकते हो अगर आपके पास बाइक है तो। हाँ भाई, और अभी हम यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं किसी का नहीं, अभी हम निकलेंगे। और विरम भाई कैसा लगा आपको राइड करके आज? अच्छा लगा, लोकेशन थी काफ़ी और रोड अच्छी थी। आपको अतुल भाई? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अभी रील्स शूट करते हैं, वीडियो शूडियो बनाते हैं, क्या करें आज के व्लॉग में, बस यही है, रीलें शीलें शूट करनी, वीडियो शूडियो शूट करनी, ज़्यादा बातचीत नहीं होती हमारी। और चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं, आपको मिलता हूँ बाद में। भाई सब बहुत फास्ट था। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं और अतुल भाई जाएंगे घर, और साथ में जो वीरम है वो उनको कोई दीदी आ गए वो उनके साथ जाएगा। अब हम चलेंगे यहाँ से घर, है ना अतुल भाई? बिल्कुल, जाने का कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं। आप हाँ अब निकलते घर। हाँ ठीक है। और व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, घर चल के एंड करूँगा या एंड कर देते हैं? नहीं आगे एंड कर, है ना, देख लो अपने हिसाब से। मैं कहता हूँ एंड करें, ब्रेक तो लगेगी ना, जोरी में लगेगी आगे। बिल्कुल सर, व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।